शिनचैन जब हंसता है तो गौर से देखने पे ये क्या दिखता है जिसे देखकर आप शॉक होने वाले हो। डोरेमोन में सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है? आप बोलोगे डेकीसुकी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा एक स्मार्ट कैरेक्टर है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। भाई वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। नंबर वन, फिनियस एंड फर्ब। फिनियस एंड फर्ब हमारा फेवरेट कार्टून था जिसे हम बहुत पसंद करते थे, जिसमें हर रोज कोई न्यू एडवेंचर देखने को मिलता था। लेकिन क्या आप जानते हो फिनियस के रियल पापा कौन है? ये कार्टून में तो ये नहीं बताया गया था, लेकिन थियोरी सुनने में आती है जो की काफी लॉजिकल भी लगती है, जो बताती है की फिनियस के असली पापा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूफिनशमर्ट्स है, जो की एक विलन है क्योंकि दोनों का फेस एकदम ट्रायंगुलर शेप में है। नंबर टू, क्या आप जानते हो डोरेमोन का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन सा है? नहीं, वो डेकीसुकी नहीं है बल्कि वो है नोबिता। डोरेमोन में जीनियस नोबिता पार्क नाम से एक एपिसोड है जिसमें डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसको मारने से सब कुछ उल्टा हो जाता है, और इसे नोबिता अपने सर पे मार लेता है, और नोबिता ठहरा सबसे फुद्दू इंसान अपनी दुनिया का, इसलिए वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बन जाता है, जिसे देखकर 22nd सेंचुरी के लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, इसकी किस्मत किसी पुराने चाइनीज फोन की तरह है जो कभी भी सही नहीं रहती, इसलिए वो फिर से बेवकूफ बन जाता है। नंबर थ्री, क्या आप जानते हो शिनचैन को कभी भी सामने से हंसते हुए नहीं दिखाया गया? अगर आप ध्यान दोगे तो जब भी वो हंसता है तो कुछ साइड से हंसता है और घूम जाता है, या फिर कुछ ना कुछ उसके मुंह के सामने आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने शिनचैन को फ्रंट व्यू से हंसते हुए ढूंढने की काफी कोशिश की, जिसके बाद मुझे कुछ ऐसी क्लिप मिली जिनमें वो हंस तो रहा है लेकिन वो देखने में काफी अजीब और डरावना लग रहा है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। शायद इसीलिए उसके मेकर्स इसको साइड से हंसता दिखाते हैं। नंबर फोर, स्पंजबॉब। स्पंजबॉब एक बहुत ही लाइट हार्टेड शो है, लेकिन क्या आप जानते हो ये शो कभी बनता ही नहीं अगर इसका नाम चेंज नहीं किया होता। आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई नेम चेंज नहीं हुआ। असल में स्पंजबॉब को पहले स्पंज बॉय के नाम से रिलीज किया जाने वाला था, और शो का नाम था स्पंज बॉय अहोय, जिसे कुछ ट्रेडमार्क इश्यूज की वजह से चेंज करना पड़ा। नंबर फाइव, लायन किंग। लायन किंग हम सबने देखे, उसका कार्टून भी और उसकी लाइव एक्शन मूवी भी, लेकिन उसकी डिटेल मोस्टली लोग नहीं जानते जो उस कार्टून की रियलिटी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। क्या आप जानते हो लायन किंग में स्कार ही सिर्फ एक ऐसा लायन है जिसके आप पंजे यानी कि क्लॉस देख सकते हो, जो इस बात को दिखाता है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और कभी कभी अपने दोस्तों पर अटैक कर सकता है, इसलिए वो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। नंबर सिक्स, क्या आप जानते हो श्रेक के डायरेक्टर की इस मूवी की वजह से जान भी जा सकती थी? 2001 में जब श्रेक की मूवी बन रही थी तब उसके डेवलपर्स को पानी का सिमुलेशन स्टडी करने के लिए मड शावर लेने पड़े थे, यानी कि उन्हें कीचड़ में नहाना पड़ा था, जिसके बाद आर्ट डायरेक्टर ने भी पानी का सिमुलेशन स्टडी करने के लिए मड शावर लेना पड़ा था, जिसके बाद आर्ट डायरेक्टर ने मंगोलिया जाकर वहाँ के प्लांट्स पर स्टडी की थी श्रेक का स्वयं तैयार करने के लिए, जिसके बाद उन्हें एक एलिगेटर का भी सामना करना पड़ा था और वो इनके पीछे काफी देर भागा लेकिन उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ। नंबर सेवन, डोरेमोन। डोरेमोन में देखा जाए तो सबसे अमीर डोरेमोन ही है, क्योंकि वो चाहे तो वो छोटा सा हीरा लेकर उसे बिग लाइट से पढ़ा करके बहुत अमीर बन सकता है, लेकिन ये तो दो नंबर के काम है। हम असली पैसे वाले बंदे की बात करते हैं जो है सुनियो। बेशक हम सब जानते हैं वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके पापा के पास इतना पैसा आया कहाँ से? सुनियो के पापा का नाम है मिस्टर होनेकावा, जिन्हें बहुत कम दिखाया जाता है, और वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनसे मिले सामान को सुनियो शो ऑफ करता रहता है। नंबर एट, करेज द कावर्डली डॉग। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कार्टून है, जो कार्टून नेटवर्क पर आ जाता था, जिसे देखकर मैं किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा डरा हूँ। लेकिन इसके बारे में ये शॉकिंग बात हम नहीं जानते होंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं करेज अपने एक कपल ओनर के साथ रहता था, जिन्हें वो हर टाइम किसी न किसी मॉन्स्टर से बचाने का ट्राई करते रहता था। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये शो असल में करेज के दिमाग में चल रहा है, और जो मॉन्स्टर होते हैं वो असल में बस नॉर्मल लोग हैं, इसलिए तो करेज के ओनर उन पर कोई रिएक्ट नहीं करते, और उनकी मॉन्स्टर्स फॉर्म बस करेज ने अपने दिमाग में बनाई हुई है। और ये बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि जब शो ओपन होता है तो करेज की शैडो दिखाई देती है, जिसे देखकर करेज खुद ही डर जाता है, जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। नंबर 9, अलादीन। अलादीन हम सबको बहुत पहले से इंडियन ही लगता है, लेकिन काफी बाद में हमें पता चला कि ये इंडियन नहीं है। इसे अलीफ लैला के नाम से इंडिया में बहुत दिखाया गया था, जिसकी वजह से हम सब अलादीन को जान पाए। लेकिन इसकी कार्टून मूवी एक ऐसी डिटेल है जो बहुत औसम है, और इसका ओरिजिन भी बताती है। उस मूवी में एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग के दौरान जीनी ऑर्डर लिख रहा होता है, तो डायरेक्टर ने वहाँ पे तुर्की पिलाफ लिखाया था, जिसे वो मिडिल ईस्टर्न वाइब से कनेक्ट हो सके। नंबर 10, ज़ूटोपिया। ज़ूटोपिया एक बहुत अच्छी मूवी है, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसे सिर्फ $150 मिलियन का बजट से बनाया गया था, और इस मूवी में 1 बिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। हालांकि ये एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन डिज्नी के एनिमेटर्स इतना दिमाग रखते हैं कि वो हर डिटेल को अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि इस मूवी में एक कैरेक्टर है चीफ बोगो, जो कि एक भैंस है, और जब भी पढ़ता है तो अपने ग्लासेस लगा लेता है। लेकिन ऐसा क्यों? एक इंटरव्यू में इस मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि राइटर ने ये कोई मजे नहीं लिए, बल्कि बफेलो की जो कि बोगो है उनकी आई साइट वो काफी
वीक होती है जिसकी वजह से वो ग्लासेस लगाते हैं। और उन्होंने सोचा अगर वो ये डिटेल मूवी में रखेंगे तो मूवी और बिलीवेबल लगेगी। नंबर 11 मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। ये डिज्नी की एक फिल्म है जिसे पिक्सर स्टूडियोज ने बनाया था, जिसे आप में से लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो देख लो। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता दूं, ये मूवी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जहां पर मॉन्स्टर्स को सिखाया जाता है कि कैसे सबसे डरावने मॉन्स्टर्स बने। इसके एक सीन में एक पोस्टर दिखाया गया है जिस पर लिखा होता है विंड्स ऑफ चेंज, और इस मूवी का कैरेक्टर जो कि गिरगुट होता है वो एग्जैक्ट यही लाइन को बोलता है। नेक्स्ट हिडन डिटेल, इस मूवी की रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। सुली और माइक एक कैफे के पास कई बार गुजरते हैं जिसका नाम हिडन सिटी कैफे है, जो कि रियल में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि रिचमंड कैलिफोर्निया में है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसी कैफे पर कई सारी पिक्सर मूवी का डिस्कशन हुआ था, जैसे मॉन्स्टर इंक, वॉल-ई, फाइंडिंग नेमो और बहुत कुछ। नंबर 12 मुलान। ये डिज्नी का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसके ऊपर हाल ही में एक लाइव एक्शन मूवी भी बनी थी, जिसने कुछ खास तो परफॉर्म नहीं किया लेकिन इसका एनिमेशन काफी पॉपुलर था, जिसकी सक्सेस को कैश करने के लिए मूवी बनी थी, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस एनिमे में ऐसी डिटेल है जिसे बहुत बड़े डिटेल कैचर भी नहीं कैच कर पाया, वो है मुलान की आईलैशेस। क्योंकि मूवी के शुरू में मुलान की आईलैशेस को बड़ा दिखाया गया, क्योंकि बड़ी आईलैशेस एक औरत होने की निशानी होती है और एक ऐसी टेक्निक है जिसे कार्टूनिस्ट यूज करते हैं फेमिनिटी दिखाने के लिए। लेकिन जब मूवी में जब एक आदमी बनने का दिखावा करती है तो उसकी आईलैशेस गायब हो जाती है, लेकिन ये राज जैसे ही खुलता है और सबको पता चलता है कि वो एक वुमन है, तब सडनली उसकी आईलैशेस पड़ी हो जाती है ना। बहुत अमेजिंग डिटेल भाई, ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि कैसे एक वोल्केनो के फटने की वजह से साइकिल का पहली बार इन्वेंशन हुआ था, और कैसे इस पौधे की वजह से आप अपने स्कूल जल्दी जा पा रहे हो, लेकिन वो कैसे? इस वीडियो में पूरी जानकारी है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ और देख लो यार। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।